थोड़ा डर बना रहता है। विनोद देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, जई बनना हमारा मकसद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जई बनकर ही कामयाबी मिलेगी। आपको नहीं पता कि आप आगे कौन से रास्ते पे चल पड़ोगे, कुछ नहीं पता जिंदगी का। पहली बात तो बोझ नहीं लेना, पहली बात तो ये देखो, मेरी आप मेरे से रिक्वेस्ट, मैं थोड़ा सा इस मामले में अजीब सा हूं, मुझे ये सारी दुनिया नकली दिखती है, पहली बात तो ये बताता हूं, ठीक है। देखो, हम कुछ भी, मैं कहता हूं, मैं यहां भी फेल हो गया, मैं वहां भी फेल हो गया, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये वो नहीं कर सका, क्या हुआ अगर नहीं कर सका? रोटी नहीं मिलेगी क्या? रोटी नहीं कमा सकते क्या हम? ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये, जब ये डर निकालोगे ना कि ये नहीं होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये हो जाएगा, ऐसा डर निकाल दोगे तब क्लियर होगा एग्जाम। जब इसको फ्री कर दोगे, इसको फ्री कर दोगे, ये बड़ा खतरनाक चीज है। देखो, इंटरव्यू जब आप देने जाते हो ना, ठीक है, तो आप, मैं आपको बात बताता हूं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये सोच के जाना है आपने कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं तो ऐसे ही आया हूं बातें करने। डर डर निकालना है अपने अंदर से, डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, डर नहीं बेटा। क्यों, किस बात का डर भाई? मैं बताता हूँ, देखो, मेरे पापा बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं सॉरी, पढ़े थे, 8 पढ़े थे, वो इतना बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, ठीक है, लकड़ी का काम करते थे। उन्होंने मुझे पढ़ा दिया, उन्होंने मुझे डिप्लोमा करा दिया, बीटेक करा दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा रहने को दिया, अच्छा घर बना लिया, बिना पढ़े, बिना जेई बने, बिना एसडीओ बने, उन्होंने कर लिया ना, ठीक है। हमारे, हमें क्या कमी है? हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम एक कमा नहीं सकेंगे क्या? ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है कि भाई इतने लायक नहीं है कि क्या रोटी कमा लेगा तू, इस लायक भी नहीं है क्या, इस लायक नहीं। अपने आप को ऐसे चैलेंजेस देने हैं कि भाई इतने लायक नहीं है क्या रोटी में कमा लेगा, टेंशन ना ले यार, ठीक है, टेंशन ना, जिस भी प्रभु को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है, उस पे विश्वास रखो, ठीक है, डर निकलेगा इसी तरह से कि भाई जय बनना है, तैयारी करनी है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो साला कौन सा मर जाऊंगा, मैं इतने लायक हूं कि भाई जहां खड़ूंगा नया काम शुरू कर दूंगा, कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा, ये कर, अपने आप में पावर लानी है, ये डर नहीं, ये ऐसी बातें नहीं करनी कि सर डर लगता है। डर किस बात का, डर किस बात का? अब मैं कहूं कि सारी दुनिया सरकारी नौकरी लगी है क्या? एक बात बताओ, सच सच बताना, कितनी दुनिया नौकरी की तैयारी करती है? 100 मान लीजिए, 100% तैयारी करते हैं, मान लीजिए 100% में सिर्फ 1% की सरकारी नौकरी लगती है, बाकी 99% मर जाते हैं क्या? 99% मर जाते हैं क्या? नहीं मरते, 99% नहीं मरते। तो जो नहीं, अगर मान ले, ये डर निकालने के लिए ये नहीं कह रहा कि पढ़ना छोड़ दो, कोई बात नहीं, बोल पढ़ो, तैयारी करो, लेकिन डर नहीं होना चाहिए अंदर, टेंशन ना लो बस, आप टेंशन नहीं लेनी, टेंशन के बिना तैयारी करनी है, और जब भी आपने बैठना है, जब भी आपने बैठना है, और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और ज्यादा से ज्यादा टाइम, और प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल, फेसबुक डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट, हंसोगे आप तो अच्छे रहोगे। तो आप बार 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 कहूंगा, डरना नहीं है, हमें मेहनत पे जोर देना है, दैट्स इट। आपने मेहनत को आदत बना के रखना है, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये सर मेरी मेहनत वेस्ट होगी, कभी मेहनत वेस्ट नहीं होती, ये याद रखना, ठीक है। आपको नहीं पता कि आज का जो बर्नौलीज थ्योरम सीखा हुआ, आज का पास्कल लॉ सीखा हुआ, आज की जो बातें हैं, चाहे आपके साला कोई काम, आपको लगे कि मुझे तो नौकरी नहीं लगी, मेरे कोई काम का नहीं, वेस्ट हो गया, लेकिन जिस दिन आप अपने बच्चों को ये ज्ञान दोगे ना, ये समझाओगे, उसके अंदर डालोगे, ये एनर्जी डालोगे, पॉजिटिव एनर्जी डालोगे, वहां दिखेगी ये एनर्जी, उस दिन भी दिखेगी। ये मत सोचना कि कहीं काम नहीं आई, जब आपके बच्चे ने आके बोला पापा पापा ये पास्कल लो क्या होता है, यहाँ बेटा मैं बताता हूँ तुझे, ये पास्कल है, ये छोटा सिलेंडर है, ये बड़ा सिलेंडर है, ये लगा, कहेगा पापा वाह, आपने एक जनरेशन क्रिएट की है जिसको नॉलेज है। तो इसलिए बेटा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कभी डरना नहीं है, ठीक है, कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, याद रखना, मेहनत वेस्ट नहीं होगी।